जो हमारा नारीवादी आंदोलन है वो ट्रांस कम्युनिटी के अंदर जिस तरह का हिंसा होता है और वो हिंसा में मतलब काफी क्रूर हिंसा है जिसमें जानलेवा हत्या और यौनिक हिंसा और कुछ स्पेशली हमारे तेलंगाना में जो हुआ था कुछ दलित ट्रांस व्यक्तियों का को, को पब्लिक में नंगा करना तो इस तरह का जो बहुत भयानक हिंसा है उसको एड्रेस करने में हम फेमिनिस्ट के तरफ से कायम नहीं रहे हैं और हम अपने सर को मतलब हम हमने बेसिकली उनको नज़रअंदाज किया है और अगर हम इन चीज़ों को नारीवादी पॉलिटिक्स की तरफ से सुलझाएंगे नहीं तो सरकार और गवर्नमेंट जरूर करेंगे तो अः हाँ तो ये उन्होंने बोला है आ, तो मतलब मैं बस इससे सहमत हूँ कि आ, हमें इन चीजों को सुलझना बहुत जरूरी है पर ये सवाल है कि सुलझने का मतलब क्या है है ना और आ, आ, बहुत सारे तरीके तरीकों से मुझे दिखता है कि ढांचागत रूप से किसी भी अः खास करके मार्जिलाई समुदाय हो तो उस माजिलाई समुदाय के अंदर जो हिंसा बहुत बार होती है वो आ, आ, बाहरी रूप से किस तरह से उस समुदाय को बिल्कुल आ, आ, समाज के एक कोने तक ढकेला जाता है उस हालात से निकल के आता है और खास करके ये जो आ, हिंसा की बात हो रही है वो ढांचागत रूप से आ, लोगों को आ, ट्रांस लोगों को खास करके जातिवाद और पितृसत्ता दोनों की आ, जो आ, एक एक ढांचा है वो ट्रांसजेंडर महिलाओं को खास करके एक कास्ट के तरह डील करके बिल्कुल भेदभाव करके लोगों को किसी भी दूसरे किस्म का ऑक्यूपेशन या लेबर में स्पेस नहीं दिया जाता है और लोगों को ढकेला जाता है ऐसे हालात में जिसमें उनको सिर्फ बेगिंग या सेक्स वर्क असाइन uh, किया जाता है वो uh, जो काम uh, में ढकेले जाते हैं उन कामों में एक स्टिग्मा दिया जाता है और फिर उस स्टिग्मा के साथ एक स्टेट के तरफ से या सरकार के तरफ से क्रिमिनलाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है और फिर लोगों को उसी जो बहुत कम uh, एक तरफ से कह सकते हैं रिसोर्सेज uh, संसाधनों को बहुत कम संसाधनों के बीच में कम्युनिटी uh, के अंदर uh, uh, जो टेंशन आती है वो uh, और खास करके जो यहाँ पे जो चैनिका ने बोला था कि नारीवादी सोच ऐसे बहुत सारे समूहीकरण में वो पूरी तरह से ढकेला गया है तो जैसे वैजयंती कह रहे हैं कि ये नारीवादी उस हिंसा को अड्रेस नहीं कर पाया है ये इसका कारण भी है मुझे लगता है कि जो चैनिका ने बोले थे कि नारीवाद खुद ही पूरी तरह से ढकेला गया है ऐसे बहुत सारे समूहीकरण में और खास करके ऐसा संदर्भ में जहाँ पे पूरा पूरा ऐसे इस किस्म के समूह ढकेले जाते हैं पूरा सामाजिक मेन स्ट्रीम से तो आ, सवाल यह है कि इसको कैसे आ, अड्रेस किया जाना चाहिए और वो सबसे मुश्किल चीज है एक तो इंडिविजुअल लेवल पे आ, मुझे पता है कि ज, लोग आ, और जैसे कि वा जिसमें है इसको एड्रेस कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे जब जब हुआ है उसको अकाउंटेबिलिटी में लाने के लिए आ, और तो वो तो आ, है ही पर आ, वो जो कार्सरल फ्रेमवर्क मतलब आ, वो एक एक केस में अकाउंटेबिलिटी के अलावा भी ये जो पैटर्न है जो बार बार होते जा रहा है उसके लिए भी आ, क्या करना चाहिए उस पर भी मुझे पता है कि आप और और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्टेट को ढकेला ना पूरा समुदाय को ढकेला ना किया जाए ताकि उस कम्युनिटी के अंदर के बीच में जानलेवा हत्या के हद तक और यौनिक हिंसा के हद तक एक एक, एक ब्रुटैलिटी और ना उभर के आए और बट बात यह भी है कि ये सिर्फ संसाधन की बात नहीं है इनफैक्ट uh, uh, ये खास करके शायद ट्रांस मूवमेंट्स में एक uh, चीज दिखता है कि किस तरह से नारीवाद और संसाधनों को अलग नहीं देखा जा सकता है क्योंकि uh, uh, जो नारीवादी सोच है वो एक सोच है जिसमें महिलाओं का उन संसाधनों के एक्सेस के बारे में है और ट्रांसफेमिज्म ये सवाल के बारे में भी है कि सिर्फ कि कौन अगर नारियों को एक एक्सेस मिलता है संसाधनों को तो किस तरह से पारिवारिक ढांचा जैसे कि सुजाता बोल रहे थे या अलोका बोल रहे थे कि पारिवारिक ढांचा में ही मिलता है क्या और ट्रांस व्यक्तियों को वो पारिवारिक ढांचा से ढकेला जाता है तो फिर सारे संसाधनों से कट ऑफ हो जाता है उनका तो इस चीज को ये दोनों चीजों को साथ साथ ही सुलझाना पड़ेगा